आ जाएगा यहाँ से शायद थोड़ा भी आ जाएगा चलेगा। अच्छा यहाँ ले लो भाई। ईद मुबारक एम सी स्टैन। आओ गला मिलो बस। सो जूनियर सर के और एम सी स्टैन मुबारक। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो वेलकम है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। बहुत लोग सोच रहे थे कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली रमज़ान चल रहा था तो इस वजह से मैं कुछ दिन वीडियो से दूर था, बट अब मैं आ गया हूँ और अब मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे मैंने सोच रखे हैं, अब उसको भी एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कि आप लोग को थंबनेल देख के समझ आ गया होगा, ये ईद का व्लॉग है, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चांद रात से, क्योंकि मेरे को अपना बियर्ड भी तो दिखाना है, चेहरे का नूर माशाल्लाह। तो आप लोगों को पता है वीडियो मेरा करियर है, मैंने जॉब नहीं किया था वीडियो के चक्कर में, मैंने वीडियो को अपना करियर चूज़ किया था। तो ये जो एक मंथ मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं सोच रहा था कि भाई अब अर्निंग कैसे होंगे, क्योंकि यही तो मेरा रोज़ी रोटी है। बट वो बोलते हैं ना अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो मतलब मेरी दो वीडियो वायरल हो गए, तो वो दो वीडियो की वजह से माशाल्लाह इनकम हो गया है। और इसमें एक वीडियो जो वायरल हुआ है वो ठीक है, मानता कि उसमें क्रिएटिविटी था, वो होना था, बट ये वाले को क्यों वायरल कर दिया? और पता है वो कैप्शन है, मैंने लिखा भी था सॉरी गर्ल्स, मेरे को लगा कि भाई गाली वाली पढ़ेंगे, मार्वल पढ़ेंगे लड़कियों से, बट चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब तरफ से मेरे को तारीफ ही मिला, थैंक यू। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 8, मेरे को अभी नमाज़ पढ़ने जाना है, नमाज़ पढ़ के फिर मेरे को जूती लेने जाना है अपनी कुर्ता पजामा के लिए। मैंने सारा शॉपिंग कर लिया है, सिर्फ ये रह गया तो मैं आज कर लूँगा। मैं सोच रहा था शॉपिंग का व्लॉग बनाऊँ, बट दिल गवारा नहीं कर रहा था, ठीक है जो भी है। उसके बाद मेरे को सलून जाना है अपना हेयर कट के लिए और बियर्ड ट्रिम कराना है। मैं सोच रहा हूँ आज रात जागने का, बट क्या है ना वो पूरा महीना मैं रात जागा हूँ और माशाल्लाह मेरे 5 कुरान मुकम्मल हो गए। तो चलो ठीक है, जैसे ये ईद का व्लॉग है तो भाई ईद का ज़्यादा दिखाना है, तो अब आप लोग से मिलता हूँ मैं सुबह में अपने ईद आउटफिट के साथ, चलो बाय। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक। तो ईद की नमाज से पहले गुसल लेना, मिसवाक करना और मीठा खाना सुन्नत है, तो इसलिए मैं खजूर खा रहा हूँ। और आप लोग भी नमाज़ पढ़ने से पहले, ईद की नमाज से पहले मीठा ज़रूर खाना। तो गाइज़ मैंने मीठा खा लिया है और अब चलते हैं मस्जिद को, मस्जिद मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो चलो ईद की नमाज़ अदा करते हैं। तो गाइज़ मैं घर से निकल गया हूँ मस्जिद के लिए, मेरा भाई मेरे लिए पहले से वेट कर रहा था बाहर। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप टिकियापाड़ा में कहाँ रहते हो, तो आज आप लोगों को भी पता चल गया होगा मैं कहाँ रहता हूँ। और यहाँ से मस्जिद सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है, बस घर से निकलते ही बाहर है। और ये देख लो रोड का नज़ारा, बिल्कुल सन्नाटा, कोई नहीं, अभी 2 मिनट बाद पूरा भर जाएगा। और यहाँ पे गरीब लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मस्जिद के ऊपर चले गए थे। आपको नीचे ढूंढ रहे थे, आप मिले ही नहीं, अब वही ना रोने पड़ेगा। तो गाइस अपना नाश्ता आ गया, आप देख सकते हो पूरी, चिकन, मिठाई और ये खीर। चलो खीर नहीं है वो। हाँ खीर नहीं है तो सेवई है। अम्मी तो बोली खीर है। नहीं नहीं सेवई है। अच्छा इसलिए बोली, हम खाते नहीं है, लेके जा इसको नहीं खाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। ईदी हाँ ईदी खा लेनी तो दे भाई। वैसे कितना चाहिए? 100 रुपये बस। हाँ, हो जाएगा। अब यूट्यूबर है, बड़ा बात कर, छोटा मोटा बात नहीं करना मेरे सामने।
दूजा खा के दे रहे हैं। मेरा बजट बहुत ज़्यादा था, सोची लोगों पर भी ज़्यादा देंगे, पर लोग 100 में ही मान गया। अब ये लोग को सरप्राइज देंगे, रुक जाओ। अच्छा अभी लोग को सरप्राइज देंगे। यूट्यूबर हो गए आप, छोटा मोटा बात नहीं करना मेरे से, बता दे रहे हैं। अच्छा उसको लाओ, ले सको 20 रुपया वो तो क्या नहीं 100 लाओ, चला 100 सॉरी 501 15 ये मेरे ना। हाँ अरे तेरा, अरे ये वाला कसीस तेरा एक्स्ट्रा, मेरा वीडियो शूट करती है तो उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, जाओ। थैंक यू, वेलकम, बाद में दे दीजिएगा। चल के इसको लेकर चले जाओ, हो गया, अब हम जा रहे बाहर। अब कैफी आ रहा है, वो भी जस्ट मेरे को फ़ोन किया है, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं फोटोशूट के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी तो करना है। खुश रहो, ईद मुबारक सो जूनियर सर के और एमसी स्टैंड, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ईद मुबारक चल रही है। ये गुलफू शेख को देख लीजिए आप लोग, इनका प्रिंटेड शर्ट, ये मटियाबुल पाक सर्कस के बीचों बीच का दुकान है, ये मेरा दुकान का, दुकान का देखिए, मेरा दुकान का ये साटन कपड़ा, नाइक का चप्पल, ऐसे ले ऐसे ले, ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग है, तो ये देख लो, ये देखिए साटन कपड़ा है, ये भी मेरे दुकान का है, तेरा दुकान का नहीं है, दुकान से हम लेंगे नहीं, ये मेरे को कम से कम आपका 5000 का पड़ा आसपास, इसमें रोमा छूटेगा बहुत जल्दी, देखिए आप, फिर ये मेरा जो अभी तेरा दुकान, ये जो मेरा स्लाइडर है ये 5000 का पड़ा मुझे, ये 16 का वॉच किनारा है, 4500 का चप्पल, ऊपर से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम, तो गाइस अब तो अभी जस्ट का सब बेइज्जतियों के अधिक समझ रहे हैं वहाँ पे टोटो में, हंसाना तो अपना काम है, पंजोकड़ है। गाइस हम लोग आ गए रेलवे म्यूजियम में, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि देखो घास बहुत बड़ा हुआ है तो मज़ा नहीं आएगा, वैसे भी फोटो शूट करना था तो इसलिए हम लोग जाएंगे घाट, वैसे बहुत दिन बाद आए हैं, आ जाएगा यहाँ से शायद थोड़ा भी आ जाएगा चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घाट रेलवे म्यूजियम को छोड़ के, वीडियो बनाने आएंगे तब आएंगे आपके पास, अभी आप आराम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आपको ही सलाम किए, ईद मुबारक, ईद मुबारक, कहाँ भी आप, आप इधर आए, गाइस देखो घाट का सीन, आसमान बहुत ही मस्त लग रहा है, और ये सामने हमारा ईडन गार्डन, देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है हम लोगों का, सब लाइन से लगा हुआ है, इसके बाद उसका टर्न है, फिर इसका, फिर इसका, और पोज दे कोई और है, देखिए आपका फोटो, आप पोज दीजिए एक बार, लीजिए सर, 1 रुपया ले लीजिए सर, अब आया भाई, अबे रुक ना हट, अभी जाएंगे अपना एक्स ले लेंगे, हम लेके रख लेगा बैग, रुक कहाँ की ऑर्डर होगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, हाय मैसेज कर दीजिए आप, वेलकम। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़ोटो शूट के लिए, मेरा हर साल का वहीं पे फ़ोटो शूट होता है तो आज भी मैं वहीं पे करूँगा, और ये लोग मेरे को शूट करने नहीं दिया फ़ोटो, ये लोग इतना मतलब काफ़ी रश था, काफ़ी रश नहीं था, ये लोग मतलब ये लोग को खाली फ़ोटो शूट करना, हम लोग वहीं शूट करने देगा, फ़ोटो के लिए ही रश था बहुत, हम लोग वहाँ पर जाएँगे इतमान से जाके अपना अकेले फ़ोटो शूट करेंगे। तो
गाइस यहाँ पे गुलफाम भाई का टाइम मिल गया हम लोग को, जो कि ये तो अभी स्टार्ट है क्योंकि गुलफाम भाई का फेम तो आप सबको पता ही है कैसा है। तो बाकी कैफी भी आ रहा है, सोच रहा मेरा भी कोई फैन आने को मिल जाए जिसके बाद वो भी फोटो ले सके, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये इन लोग का मीट हो गया, ये बहुत हैप्पी है, तो चलते हैं आगे। तो ये था मेरा ईद का व्लॉग, अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये मेरा ईद का आउटफिट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। हाँ, एज अ व्लॉगर, नॉट एज अ शॉर्ट्स क्रिएटर। देखो, शॉर्ट्स का एक अलग कम्युनिटी है और व्लॉग का एक अलग। अगर आप मेरे को व्लॉगर अब बनना है तो आप लोग मेरे को एज अ व्लॉगर, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।